टमाटर, कैप्सिकम, बीन्स, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं आप लोगों का उमर नज़ीर और आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में खैर मकदम। घर के छोटे मोटे काम हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पोल्यूशन करवाना है, स्कूल को एक्सप्लोर करना है और भी बहुत जगहों पे जाना है, तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले सारे व्लॉग्स एंड म्यूजिक सॉन्ग्स आप तक पहुँचे सबसे तेज। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो सीधे चलते हैं व्लॉग में। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, समंदर अग्नि मजहबरो दिल कर, समंदर अग्नि मजहबरो दिल कर दिलावर। भैया कितने का बेचते हो ये? 50 का। 50 का एक। और क्या क्या मिलता है? और गोल गप्पे। गोल गप्पे खाने का मूड है बट गला ठीक नहीं है, इसलिए नहीं खा सकते। पानी वाला। वाह क्या बात है, ये देखो भाई कितना जबरदस्त तरीके से निकाल के दे दिया। तो इसमें थोड़ा पानी चाहिए मुझे, यहीं पे पीना है। अच्छा तो भाई आप मेरी चैनल एक बार सर्च कर लो यूट्यूब पे, वहाँ पे आपका वीडियो आ जाएगा। यूट्यूब खोल दो। ये रही मेरी चैनल उमर नज़ीर। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल खोलनी है, यहाँ पे मेरी चैनल आएगी, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाना, नोटिफिकेशन बेल जो है ना हमेशा ऑल पे करना है, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको आए तुरंत। तो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय। इन्हें खाली 40 रुपीज़ में दे दिया है, बोला कि 50 में बेचता हूँ मैं, लेकिन आपको 40 रुपीज़। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ, चलो चलते हैं। दोस्तों अभी हम आए अलखुदाम चौक, यहाँ पर कुछ सब्ज़ी देखते हैं घर के लिए क्या क्या अवेलेबल होगा। तो घर वालों ने बोला था कि वहाँ से सब्ज़ी लाना, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल है। इन टीचर्स आ रही हूँ गूगल लेर के इशू दियो हाँ 10 रुपये। तो व्लॉग में बने रहिए, चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग सब लोगों से वादा किया था कि मैं अपने स्कूल को एक्सप्लोर करूंगा, तो दोस्तों ये मैं हूँ। 2008 की बात है, वो स्कूल को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था क्विज शो में, और क्विज शो का नाम था बच्चों का गोशा। तो ये थे कुछ यादें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हेलो बच्चों, क्या हाल है, ठीक हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो मैंने यहीं से शुरुआत की अपनी लाइफ की, और ये वो बोर्ड है जिस बोर्ड में मैंने पढ़ा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस बोर्ड को देख के वो एग्जैक्टली फील होता है।
और यही वो क्लास है नर्सरी जहाँ से मैंने शुरुआत की है और अभी आपके सामने खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। दपान इलम गाश पज पलम गाश यह सह गाश ये इंसान पन जिंदगी रोशन करा हमेशा खतर तो इंसान पज ज़्यादा से ज़्यादा इलम कर हासिल। ओके चलो बाई करो सारे बाय बाय अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों स्कूल से निकले हम, अभी हम आए हैं बिलाल भाई के पास, गोल्ड ऑर्नमेंट्स का काम करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बिलाल भाई के पास मैंने आइटम्स लिए हैं जो हमें चाहिए थे और बहुत ही बेस्ट प्राइस में दिया है और मैं कहूँगा कि जेन्युइन प्राइस में दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे आए एक बार शॉप पे। तो शॉप का नाम है आर के ज्वेलर्स, लोकेशन अहमदनगर ओल्ड रोड नियर अल फारूक मस्जिद शरीफ। और जो भी ये वीडियो देखे यहाँ पे आएगा उनको बिलाल भाई मेरी तरफ से डिस्काउंट देंगे बढ़िया सा। तो एक बार शॉप विजिट कीजिए। तो दोस्तों चलते सीधा घर, खाना शाना खा के आते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और गर्मी भी बहुत है। दो बजे आप गए थे स्कूल? हाँ। कि कब आए आप? आई पी स्कूल। होय आन गाड़ी के टायर वगैरह सारे निकाले, वापस रखो जल्दी वापस से रख दो ये टायर। चलो सीधे करो गाड़ी को। तो दोस्तों यहाँ पे हम कभी कभी जिम वगैरह कर लेते हैं, तो ये डंबल्स वगैरह एक्सरसाइज के लिए रखे हैं क्योंकि कई कभार टाइम नहीं मिल पाता, तो यहीं पे हम ट्रेडमिल वगैरह और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस सेट 1 3। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को और मेरे व्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस एंड सारे व्लॉग्स आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहतयाब रखे। अल्लाह हाफिज़।